चक्षुर्मीतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वञ्चाकुलद्रुवश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पवितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वथा मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट स्वयं विष्णुपाद अस्तुत रस सत्यमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट स्वयं विष्णुपाद अस्तुत रस सत्यमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाल अष्टोत्तर सत्यवान भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरि कथा कृपासु श्रोतृवृंद सभियों के मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम शिला। कल हम लोग श्रीमद् भागवत दशम स्कंध 23वां अध्याय 23 चैप्टर से जागीर पत्नी की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। मथुरा के ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि करने लगे और उस समय कृष्ण के सखा लोग जो है उनके पास आकर के भजन के लिए प्रार्थना की। अनंतर ब्राह्मण लोग गोपाल के लिए भजन नहीं किया। फिर कृष्ण के पास लौट करके आगे कृष्ण करने जाओ उनकी पत्नियों की बात क्या होता है ब्राह्मणी के पास जाओ और इसके पश्चात सभा लोग ब्राह्मणी के पास आकर के निवेदन किया कि कृष्ण बलराम गोचारण करते करते अशोक बालिका के सन्निकट में आ गए और सभी भजन के लिए सब तड़प रहे। इस कथा सुनते ही वो समस्त ब्राह्मणीगण यज्ञ के लिए जितने प्रकार की भजन सामग्री तैयार किया था और वह समस्त लेकर के कृष्ण बलराम के समीप में पहुंचे और उस समय वो समस्त जाति ब्राह्मणीगण और कृष्ण के सुंदर प्रभु माधुर जी की वर्णना की जिस कथा हम लोग श्रवण किया श्लोक हमने व्याख्या की और क्योंकि अनेक दिनों से वो समस्त ब्राह्मणीगण कृष्ण के दर्शन की लालसा से जो है तड़प रही थी आज कृष्ण मानो उनके समीप में निकट में आ गए इसलिए कृष्ण दर्शन के लिए समस्त प्रकार के भोज्य द्रव्य आदि लेकर उपस्थित थे। उस समय कृष्ण कुछ हस्त करते थे उनको भी यह बात बताया श्री भगवान सागौतम वो महाभाग अश्वकर्म परवाणु के भगवतीगण आप लोग महाभागवती इसलिए आप लोग के आना ही जो है यहाँ पर सुख पर हुए और आप लोग कैसे मैं सेवा करूं
कृष्ण इसी प्रकार बताया, क्योंकि आप लोगों ने समस्त प्रकार प्रतिबंधक बाधाओं के जो है त्याग दे करके हमारे पास आए हैं, अर्थात अपने गुरुजन पति आदि को जो है सब कुछ बाधाओं को त्याग दे करके मेरे साथ मिलने के आए। इसलिए आप लोग जिस कारण से आए हैं और उस कारण को बताइए, ये कैसे आप लोगों में सिद्धा हो। और भी कहें, देखो अंतर कृष्ण भी कहने लगे, ये आप लोग अपने गृह में लौट करके जाए, ठीक है, आप अपने धर्म पालन करने के लिए आए हैं, अर्थात जो भूख में तड़पते हैं वो भूख का है, भूख मन जो भूख में तड़प है, भूख लाते हैं उसके भोजन कराना ये तुम्हारे धर्म है। कृष्ण भी कहने लगे, देखो एक व्यक्ति भूख में तड़प है आए, तो उसको क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। गुरुदेव कहते थे कि कुत्ते भी हम आ जाए खड़े उसके भी भोजन किया जाए। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जी कहने लगे, ये आप जिस कारण से जमी मेरे सभा हो और हम लोग भोजन कराने के लिए, इसलिए आप लोग भोजन करा करके अपने गृह में लोग करके जाए, गृह प्रत्यावर्तन करें, यू हैव टू रिटर्न बैक योर होम। क्योंकि अपने परिजन की सेवा ही शास्त्र में श्रेष्ठ कहा गया, संसार की धर्म में हमारे प्रियजन कौन है, पति है, पुत्र है, कन्याएं है, आत्मीय सजन है, ये सब हमारे क्या है, प्रियजन है। प्रियजन की सेवा करना ही शास्त्र में धर्म कहा गया, विष्णु आराधते पंथा नन्न तत्व सुकारण, शास्त्र में क्या हो गया, भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते किस में, जो वर्णाश्रम धर्म आदि को पालन करते, नियम को पालन करते। वर्णाश्रम धर्म में क्या कहा गया, पहले अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार की सेवा करो, तब भगवान प्रसन्न। इसलिए वर्णाश्रम आचरता बता दूसरी पर भगवान विष्णु आराधना पंथा नाना तत्व सुकारण, और भी कारण नहीं, भगवान की सुखी करने के लिए प्रसन्न करने के लिए कारण क्या बता रहे, अपने संसारिक जीवन को आप पालन करें, अर्थात सभी आप सम्मान आदि करते हुए यथाजथ सम्मान करो, जो जैसे उसके है करना चाहिए नहीं चाहिए। फिर उसी प्रकार कृष्ण भी कहने लगे, ये ब्राह्मण गण अपने घर में लौट, अपने अपने घर पर लौट करके जाए और जाकर के अपने पति आदि को सेवा करें। और विशेष करके आप लोगों के पति लोग जो है यज्ञ आदि कर रहे हैं, उस यज्ञ में उनके लिए भी सहायता करें, है ना। आप लोग तेरा आए, हो सकता है अभी पुण्य के पूर्णाहुति के समय हो गया, इसलिए आप लोग वहां पर जाकर के उनके पूर्णाहुति के लिए सहायता करें, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ये पत्नी बिना पति पूर्णाहुति संपादन करने का है, पूरा करने का है, जैसे भगवान रामचंद्र के उदाहरण लिखा गया है। भगवान रामचंद्र वशिष्ठ जी के कहने लगे, मैं ये अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, तो उस समय कहने लगे आप नहीं कर सकते, क्यों, यज्ञ में आपकी कौन चाहिए, पूर्णाहुति के समय अपने पत्नी चाहिए, आप तो विवाहित हो, सीता के वापिस ले लो, बोले ये तो नहीं हो सकता है, तो दूसरी विवाह कर लो, रामचंद्र जी ने कहा,
पर ये भी नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ सीता बिना और किसी में सभी शादी नहीं कर सकते। रूप कुल रीति सदा चली जाए प्राण जाए गुरु वचन। इसलिए वशिष्ठ ऋषि कहने लगे राम तुम जब तक नहीं कर सकते, किंतु रामचंद्र कहने लगे गुरुदेव कोई विकल्प पद्धति हो बताइए और कोई पद है हमें बताइए। जगत करना ही नहीं आप बताइए। तो अंत में निष्कर्ष शास्त्र से निकाला वशिष्ठ ऋषि ने वही सीता की एक स्वर्ण मूर्ति स्थापन करे। सीता जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापन करे और उसके सजीव कराए जिसका हम लोग मूर्ति ये करते हैं क्या बोले विग्रह स्थापन करते मंत्र वेद मंत्र आदि के द्वारा विग्रह के क्या किया जाता है उसके सजीवत्व कराया जाता है जिसके विग्रह स्थापन कहा जाता है करते ना विग्रह स्थापन करो। तो अनंत में भगवान अनंत भगवान रामचंद्र ने सीता के स्वर्ण मूर्ति बनाया पहले को स्थापना की विग्रह स्थापन हुआ और इसके पश्चात रामचंद्र ने आहुति देने लगे वही स्वर्ण मूर्ति के बाएं की तरफ उड़ा करके आहुति दे जगह में आहुति देते स्वाहा इंद्र ओम इंद्राय स्वाहा ओम गुरुनाय स्वाहा ओम कुलिराय स्वाहा सारे त्रिपुर के नाम लेकर के स्वाहा स्वाहा करें 11,000 साल तक भगवान रामचंद्र ने जब किया और हर साल मैंने अलग अलग विग्रह का वही विग्रह लिखा विधि के अनुसार जब पूर्ण होकर विग्रह के विसर्जन दिए थे ये भी दिखाया गया विसर्जन समय थे विग्रह तो पानी में डाल क्योंकि अगर आप लोगों को विग्रह क्या करने से यहाँ पे आप शिकार की और भगवान रामचंद्र उनके कार्य जाओ दादर जी में मैं ही कृष्ण करके आऊँ और आप लोग सभी को मैं अपने प्रिया के रूप में शिकार करके और आप उनके सारे मनोकांक्षा मैं पूरा करूँ। वही तो है रामचंद्र शरण सीता हैं सब ब्रज में गोपी गृह में गोपी गर्भ में जन्म लिया ये समस्त पर्वन में कथा प्रसंग किस लिए कहा जिस समय कृष्ण जी कहने लगे आप लोग जगत स्थल में डूब करके जाए और अपने पति आदि को जो है पूर्णाहति के लिए सहायता करें क्योंकि पूर्णाहति उनको बैठी हुई सके क्योंकि अपने पत्नी बिना वो ब्राह्मण लोग पूर्णाहति कर नहीं पाए। स्वयं भगवान की ये भी कहने लगे हे ब्राह्मणगण यदि आप ये सोचे ये हम लोग तो पति अथवा गुरुजन आदि के आदेश को उल्लंघन करके अर्थात नहीं मान करके हैं हम लोग आपके पास आए हैं सर वो लोग हम लोग शिकार नहीं करेंगे हैं घर से हम निकल करके जब आ गए और फिर हम पति के पास लौट करके जाए पति कहेंगे जाओ जहां से आए थे वहीं चले जाओ आज पति लोग तो भगवत विश्वासी नहीं है देव देवी की पूजा आदि करते हैं किंतु भगवान भगवान श्री कृष्ण के विश्वास नहीं है इसलिए वो लोग कहेंगे जाओ कहां गाय चराने वाले गोप के पास तुम चलेंगे इसलिए तुम लोग मैं शिकार नहीं करते जाओ जो उन जंगल में जाओ वहीं पर घूम जहां से आए थे वहीं जाओ। अच्छा कहेंगे नहीं कहेंगे यही प्रश्न उठा रहा हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यदि कहो जे आपके पति लोग
आप उनके ग्रहण नहीं करेंगे है? तब क्या करो? तब से भगवान ये कहने लगे, देखो हे ब्राह्मणगण, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी विराजमान हूं, मैं जिसके हृदय में जैसी बुद्धि देता हूं वो काम करता है। गीता में भगवान कहते हैं, भगवान गीता में क्या कहा? गीता श्लोक जेसां सततां भजतां विधि पूर्वक ददामि बुद्धि योगं तं जेनो मां उपजान्ति ते। अरे मैं ही बुद्धि दे देते तब वो काम करते हैं। इसलिए भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण गण, तुम ये चिंता मत करो, तुम लोग चिंता मत करो, ये तुम्हारे बुद्धि लोग तुम लोग के स्वीकार नहीं करेंगे। जाओ, मैं ही तो परमात्मा के रूप में तुम्हारे पति के हृदय में मैं ही व्यवहार करता, मैं ही तुम्हारे पति को पति के हृदय में प्रेरणा दूंगा, तुम लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए आप लोग मेरे प्रति विश्वास रखते हुए आप लोग रुक करके जा रहे हैं। भगवान उवाच पदोरपस्तेन पितृभ्रातृस्तादय लोकस्य भूम मत मयोकिता देवा ओभि उन्नति। श्री भगवान कहते हैं, ये पितृपत्नीगण ब्राह्मणीगण, अब अपने गृह में जाकर के अपने पति आदि की सेवा आदि करें, और मैं ही आपको बता आपके कोई आपको आदमी के ऊपर दोषारोप नहीं करे, दोषारोप नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा दिया, आप लोग की पति लोग कहेंगे बाप ने गुरुजन भाग्य दे कहेंगे यहां से तो वहीं चले जाओ, तो भगवान ये पद कार्य है। पतयो नभो अश्वेन पितृ भातृ सुताद लोकश्च वो मयो पेतो देवा वो भी अनुन्नते। क्योंकि मैं ही जो है उनके हृदय में परमात्मा में बैठा हूं, इसलिए आप लोग किसी प्रकार संशय न करें। यह तभी भगवान कहने लगे, टीकाकार कहते हैं, ये देखो भगवान एक प्रकार इस पर करें, आप लोग करके जा रहे, ये आपके पति अथवा पुत्र आदि जित सभी आप लोग देवतुल्य और देवता के भक्ति में पूजा करेंगे। देवाश्चर्य भगवान करें, इसलिए कर नहीं है लोकस्य मुं मयो मयोपेतो देवा ओपी अनुन्नते अनुन्नते। जैसे लोग मुझे भगवान मान करके पूजा आदि करते हैं, उसी प्रकार आप लोग जब घर में लौट करके जाएंगे, आपकी पति अथवा भातृगण गुरुजन जो भी है वो आप लोग की भी मक्तुल्य मेरे भांति ही आप लोग भी सम्मान करें। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह दिखाया, ये भगवान में जो अनुरक्त जो होते हैं अनुरक्त हो जाते हैं, अथवा भगवान में जो संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाते हैं, भगवान उसके लिए सभी व्यवस्था दिखाते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मणगण, आप लोग अपने आप अनिष्ट आशंका क्यों करें? ये आप लोग की कोई अनिष्ट होगा नहीं, आप लोग की सभी कुशल ही होगा।
मंगल फुला, छह माने मंगल फुला फिर मान गोपियां कहने लगी ये आपके दर्शन आपके सन्निकट में हम रहना चाहते हैं। संसार में जाए फिर हम संसार में कोई फंस जाएंगे हैं। हम स्त्री जाति होने के नाते गृह लौट करके जाने पर फिर पुनः वही गृह कर्म में ही हम लिप्त हो जाएंगे, है कि नहीं हैं। जब मंदिर में आते हैं मन ठाकुर जी में लग जाते हैं, गृह घर में जो लौट करके जाते हैं फिर मन गृह कर्म में लग जाता है। इसे स्वयं भगवान कहते हैं, देखो इस विचार को मैं आपके निरसन करता हूँ यदि ऐसे कहो। सर्वना दर्शनाद्धा भी ममी भावो कुनु कीर्तना न तथा सन्ने कर से न प्रतिजातो जतु गृहान। हे ब्राह्मणीगण सुनिए मेरे कथा श्रवण अथवा मेरे विग्रह दर्शन, मेरे सुंदर रूप के चिंतन, नाम आर नाम गुणादि कीर्तन जिसके असक्ति हो जाता है वो किसी प्रकार गृह कर्म में उसकी असक्ति नहीं रहता है। संसार की बंधन की कारण क्या बताता है, बताते हैं असक्त, असक्ति का अटैचमेंट वह अटैचमेंट जो है असक्ति के आप कहां लगाओ, भगवान में लगाओ अथवा अपने स्वार्थ में लगाओ क्या बोलते हैं, एक म्यार में दो तलवार नहीं रह सकते, है कि नहीं। भगवान में लगाओ असक्ति अथवा संसार में लगाओ, बात ही आसक्ति तो आसक्ति है, संसार में आसक्ति लगाने से जीव बद्ध हो जाते हैं और भगवान में आसक्ति लगाओ तो मुक्त हो जाते। इसलिए श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया जैसे हम रेशम के वस्त्र जो पहनते हैं सिल्क क्लॉथ जो है, ये रेशम क्या है कहां से मिलता है, इसके एक प्रकार जो है छोटा छोटा पौधा होता है और उससे एक कीड़ा जो है उसे ये बना लेते हैं, उसका छोटा छोटा घोंसला बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं ना, अपने लार के द्वारा उसमें पत्थर में बनाते जाते हैं और बनाते बनाते वो क्या करते हैं उसके अंदर में घुस जाते हैं और अंत में वो मुख तक भी बंद कर देते हैं, समझ। तो कृषक क्या करते हैं, वो छोटे 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 ऐसे घोंसला जो होता है और उसके सब उठा करके गर्म पानी में उसके उबालते हैं और उबाल करके उसी से जो है ये रेशमी कपड़ा आदि बनते हैं, धागा आदि बना करके वस्त्र बनाते हैं, रेशमी वस्त्र कहा जाता है, समझ में। तात्पर्य क्या है, वो जो कीड़ा जो है अपने लार के द्वारा वो पत्ता में क्या करते हैं छोटे छोटे घोंसले बनाए, इतना छोटे बनते और अंत में घुस करके दरवाजा बंद कर देते, पूरा हो जाता है बंद कर देते और उस समय कृषक आदमी उठा करके सारे वो क्या उठा करके क्या करते हैं खलते हुए पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल क्या हो जाता है उबल जाता है, पर उससे ही जो है प्रक्रिया से उसे ये धागा बनाते हैं उसे कपड़ा की पत्थर इसको रेशमी वस्त्र कहा जाता है, रेशम वस्त्र कहा जाता है। अपने बचने के लिए वो कीड़ा जो है अपने बचने के लिए भी रास्ता नहीं रखते और दूसरी जो है मकड़ा जो है मकड़ा भी आप देखोगे वो भी अपने तार के द्वारा भी जाल बनाते हैं किंतु जाल में वो भी घूमता रहता है मच्छर आदि पर कोई वो जट वहीं पर जाकर के उसे पकड़ लेते हैं उसको खींचते हैं। किंतु देखो मकड़ा अपने मुख से लार के द्वारा जाल बनाए किंतु उसमें फंसते नहीं,
किंतु रेशमे की कीड़ा अपने मुख के लाल के द्वारा जो अपने घोंसला बनाया किंतु उसमें अपने फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार संसार में जो जीव रहते हैं किंतु उसमें वो फंस जाते हैं, रेशमी कीड़े की भांति वो फंस जाते हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो क्या चीज है? आसक्ति। संसार में रहने कोई बुरी बात नहीं है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ हम रहते हैं, ये भी बुरी बात है। उससे है क्या एक चीज? क्या आसक्ति, समझना। ये आसक्ति का आसक्ति क्या होता है? बंधन के कारण बन जाता है। बोले आसक्ति से कैसे मारे? उसे आसक्ति की त्यागना नहीं है, कोई वस्तु के शास्त्र में त्याग मत, उसको क्या करो भगवत सेवा में लगा, छोड़ना नहीं जोड़ना। हम क्या कहते हैं? छोड़ना नहीं, आसक्ति के छोड़ दो ये नहीं कहते, आसक्ति के क्या करो जोड़ो, किसके साथ जोड़ो? भगवान के साथ जोड़ो। आसक्ति ये आसक्त चित्त सन्नाथ हुआ वित्रासु भगवान निकटते ही प्रार्थना की मम तुम श्लोक जनेशु सप्तम संसार चक्रे भमत सकर्मो हि तन्मय आसक्त चित्त सुमनात भुवा। हे भगवान आपकी माया के अनुसार हम इस संसार में अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहे थे, किंतु इतना ही हमें बर दीजिए, कृपा करे आसक्ति ना, आसक्ति ना, अटैचमेंट ना, संसार में काम करते रहते हैं। यदि आसक्त चित्त सब ननाथ हुआ, ठीक उसी प्रकार भगवान भी कहने लगे, देखो दर्शन अर्थात मद विग्रह आदि दर्शन श्रवणा मद गुणात् मद गुण करना करना, यानी मेरे गुण कथा जो है कान के द्वारा श्रवण, आंखों के द्वारा मेरे विग्रह के ध्यान, मन आदि के द्वारा मेरे स्वरूप के चिंतन अनुकीर्तना मत नाम गुण कीर्तना च अनुकीर्तना, मैंने बार बार कीर्तन करना की अनुकीर्तना कहा जाता है। मई तथा भाव आसक्ति भवती सन्निकट से न सन्निकट न भवती, किंतु कभी कभी देखो निकट में रहने पर भी उतना नहीं होता है। एक व्यक्ति निकट में रह करके उतना आसक्ति नहीं आता है और दूर में रहकर उस आसक्ति बढ़ जाता है। यथा स्त्री जो है सदिशाती नारी अपने पति से जो दूर रहते हैं, पति जो दूर देश में चले जाते हैं, उस समय वो सदिशाती नारी क्या करती है? अपने पति के लिए सदा सदा चिंतन करते रहते हैं, किंतु वही पति जब उनके साथ में रहते हैं उतना चिंतन नहीं होता है। सन्निकर्ष निकट में रहने पर उतना चिंतन नहीं होता है, किंतु जिससे जब दूर हो जाते हैं उसके चिंतन नहीं होता है। हम निकट में रह करके उतना चिंतन कर नहीं पाते हैं, किंतु कोई व्यक्ति हमसे दूर से चले जाते हैं उसके चिंतन होता है। है कि नहीं आपका? हमारी एक कथा हमारी प्रेम वाला प्रभु था, जब कोई वैष्णव अप्रकट हो गए बाप उसके ही बार बार बोलते रहते, बार जो भी मन में चले जाते हैं वो कथा में उसके ही बार बार बोलते थे, है कि नहीं? जो मन में है उसकी कथा में नहीं बोलते, जो मन से चले गए और उसके ही बार बार बोलते, ये होता है। इसलिए भगवान भी इसी प्रकार कह रहे हैं न तथा मत सं मत मत न तथा सन्निकट से न पति जातो ततो गृहं, मेरे सन्निकट में रह करके आप लोग के जितने आसक्ति होगा उससे अधिक आसक्ति क्या मुझसे दूर रहो। हम प्रियजन के उतना ही चिंतन करते रहते हैं जो मेरा परिजन दूर देश दूर में जाते हैं। आपके बेटा अत्यंत प्रिय है, यदि बेटा दूर देश में चले गए इंग्लैंड अमेरिका दुबई चले गए,
आपको उनकी अधिक चिंता नहीं, आपके दो बेटा है, एक बेटा आपके साथ में रह रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, सब कुछ कार्य कर रहे हैं, यंत्र भी आपके सेवा भी कर रहे हैं, बेटा आपके बहुत अनुगत है, पिता जैसे बोलते हैं वो ऐसे करते जा रहे हैं, है कि नहीं? किंतु पिता उस बेटा के प्रति उतना ध्यान नहीं पा चिंतन नहीं करते हैं जो बेटा दुबई में चले गए, मैं काम कर रहे हैं, दिखा पड़ा जो कुछ भी कर रहे हैं, सरासर हर रोज चिंतन करते मेरा बेटा आज कैसे है, आज दो तीन दिन हो गया, पांच चार दिन हो गया, आज भी कोई उनकी ये नहीं मिला, समाचार नहीं मिला, उनकी कोई पत्र नहीं आया है, और जो बेटा अभी आपके पास है वो नहीं मिला। कृष्ण ब्रज के छोड़ के प्रेम सरोवर की कथा सुनाती हूँ जी, मैं सन्निकट में हूँ, और राधा जी सोच रहे हैं ये कृष्ण प्राण कृष्ण मधुसूदन मुझे छोड़ कर चले, और कैसे विरह में तड़प, विरह में कैसे होते उसे प्रेम को चित्त हो, इतने विरह में इतना तड़पते तड़पते ऐसे सोचते हैं कृष्ण हमारे पास है, ये भी होता है, काले बादल के देख करके राधा जी उसके आलिंगन करके जा रहे, तमाम वृक्ष काले तमाम वृक्ष के देख करके आलिंगन करते, कभी हंसती है कभी रोती है, इसलिए कृष्ण विचार करने लगे जब मैं कुछ समय के लिए यदि ब्रज से बाहर चले जाऊं तो कम से कम राधा जी ऐसे दिव्य दशा में प्रेम वैचित्र दशा में विरह में मिलन की अनुभूति यही तय, इसलिए कृष्ण ब्रज से मथुरा जाने के कारण जो अनेक कारण दिखाया, जिसमें एक विशेष कारण भी हमारे आचार्य पाद लिखते हैं, ये कृष्ण क्यों ब्रज से मथुरा चले, ये भी दिखाया गया, चलो कथा पसंद हो इसलिए है, यहाँ पर स्वयं भगवान भी कह रहे मेरे प्रति विरहजनित उत्कंठा, और यही उत्कंठा ही मेरे प्राप्ति के लिए एक सूचना दे, जितने आपके उत्कंठा होगा और वही उत्कंठा के द्वारा ही मुझे प्राप्त करोगे, इसलिए काल में आप लोग भी बताया था जी ब्रज में तीन प्रकार के प्रेम के बारे में बताया, एक दिव्य सुन्न प्रेम, दूसरी है विश्रम प्रेम, तीसरी है उत्कंठा प्रेम, गोपियों के जो प्रेम के बारे में बताया गया वो क्या है उत्कंठा प्रेम, वही उत्कंठा प्रेम के लक्षण क्या बताते हैं कृष्ण के साक्षात दर्शन, वचन के द्वारा नहीं, किसी भी संत वाक्यों के द्वारा ही नहीं, साक्षात में गोविंद के दर्शन, सपने में भी दर्शन नहीं, गोविंद दर्शन की अनेक प्रकार भी बताया गया, जब मेरे गंत एक होता है सात्विक दर्शन होता है, एक होता है अकस्मात दर्शन हो जाता है, श्रवण जाता दर्शन, अनेक प्रकार दर्शन के बारे में अनेक प्रकार बताया गया, श्रवण जाता दर्शन उनकी महिमा सुनकर के लालसा जाते दर्शन की लालसा, सात्विक दर्शन होते सपनों में, किंतु गोपियों की क्या साक्षात उसमें दर्शन, उत्कंठा वही प्रेम में दिखा गया साक्षात दर्शन, इसी प्रकार कृष्ण कहने लगे दर्शक श्रवणा दर्शना ध्यानादस्मिन् भावो कीर्तनम् न तथा सन्निकर्षेण प्रतिजातो ततो गृह्णाम्, मेरे सन्निकट में रह करके जो आसक्ति होता है उससे सकल गुण आसक्ति कहां पर होता है मेरे से दूर रहने, जो वस्तु जितने दूर रहते हैं उस वस्तु के आकर्षण उतने कम होता है, उदाहरण के लिए आप पृथ्वी से थोड़ा ऊपर हो देखो पृथ्वी उतना ही जो है आपको आकर्षण करते, हम यहाँ पर बैठे हुए पृथ्वी उतना आकर्षण नहीं कर रहे, आप बैठे हो ना, किंतु ऊपर थोड़ा ऊपर उठो देखो वो उतना
और कैसे आकर्षण करते, जिसको कहा जाता है दैट इज दी द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, माध्यम से निकाल लेते हैं। वो भी कैसे, बिल्कुल ये है 90 डिग्री एंगल करके है, सीधी ऐसे से, ऐसे से नहीं 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल करके नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल करके है। ये वस्तु जो है, ये वस्तु गिरेगा कैसे, गिरेगा बिल्कुल 90 डिग्री एंगल करके, उस स्थान पर सीधी गिरेगी, ऐसे ही नहीं गिरेगी, इस तरफ नहीं गिरेगी है। यही तो न्यूटन, आज न्यूटन ने इसमें तो प्रति दिया गया द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, माध्यम शक्ति जिसको कहा जाता है। तो उसी प्रकार अब हम जिस कथा प्रसंग में जा रहे हैं, भगवान उसी प्रकार कह रहे हैं, मेरे प्रति जो आसक्ति मैंने बताया, मेरे सन्निकट वर्ण में जो आसक्ति जितना होता है, उससे अधिक आसक्ति कहां से है, मुझसे उसी चिंतन होता है, उसके दर ध्यान में मन में उसकी कथा होता है। इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण वस्तुतः ब्राह्मण पत्नी को, अर्थात ये पत्नी के पुनः पुनः कहने लगे, ये आप लोग जग भूमि में अर्थात अपने पतियों के साथ जाकर के पूर्णाहुति प्रदान करें, और किसी प्रकार आप लोग के दोष भी नहीं लगेगा, इस कथा को सुन करके गोपियां ने क्या है, हे कृष्णा आपके चरण कमल जो है, लक्ष्मी आदि समस्त जो है देव दुनिया प्रार्थना करते हैं, आपके चरण कमल के धूलि को प्रार्थना करते हैं, और सब व्याकुल रहते हैं, इसलिए आपके चरण कमल छोड़कर के हम कैसे चले जाए। लक्ष्मी देवी क्षण काल के लिए आपके चरण पुर के छोड़ना नहीं चाहते। हित तन्न वजते इदं श्रेय पादस्पर्शदा सकृत् स्वात्मा दोषभवर्गेण तद्गत्वा जनमोहिनी। स्वयं लक्ष्मी देवी आपकी चरण कमल की स्पर्श की वासना से वैकुंठ तक दे करके वृंदावन में पर तपस्या करें, इसलिए आपके चरण कमल हम कैसे छोड़ कर दीजा, यही तो कहते हैं ब्राह्मणीगण। यही कहने लगे, ये देखो वैकुंठ के, वैकुंठ में नारायण के जो अंकसायिनी लक्ष्मी देवी, वो भी वैकुंठ के त्याग दे करके इतने सुख ऐश्वर्य, वैकुंठ कितने सुख ऐश्वर्य, और त्याग दे करके कहां वृंदावन में जमुना के तट पर और बेल वन में आज तक भी हाथ जोड़ करके तपस्या कर इतने सुंदर कोमल शरीर लक्ष्मी देवी है, जिन्होंने जिनके शरीर में कभी सूर्य सूर्य के आलोकन लगते नहीं, गर्म नहीं लगते, अथवा असूर्यम पश्चा कहा जाता है, असूर्यम पश्चम है जो स्त्रियां जो कभी सूर्य लोक के सूर्य के भी दर्शन नहीं करती, सदा सर्वदा गृह में रह सकती है। गर्मी के समय क्या है, स्त्रियां घर से निकलती ही नहीं, पुरुष तो कोई दुकान के लिए व काम के लिए जाते, वो भी एसी में बैठ करते हैं, एसी कार जैसे करके दुबई में जब देख, मैं भी देखा इतने गर्मी होता है 55-60 डिग्री तक हो जाता है, उधर के 12 महीने गर्मी रहता है, इतने गर्मी दुबई
वहां पर क्या करते हो? कभी कभी इतने गर्मी हो जाता है, यहाँ पर भी 62 होते हैं, दिन में निकालते नहीं है, रात में काम करते हैं, रात में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, वो भी कितना 40 हो जाता है। हाँ समझ, लोग जो चल रहे हैं सब एसी कार में, आप थोड़ा गर्स वाले आज अपने चले, उस देश में जो है पेट्रोल भाव, तेल के जो भाव जो है उससे पानी के भाव अधिक है। आज इधर एक लीटर पेट्रोल कितना की पैसा 80-90 रुपया होता है, उधर भी पानी के उतना ही भाव है, और वहां पर पानी के भाव, इधर पे पानी के भाव, उधर ऐसे उधर पानी के भाव है, पेट्रोल के भाव को बारिश मौसम हो जाए, एक लीटर पानी खरीदो कम से 50-60 रुपये, क्या बोले इधर की जो पेट्रोल के भाव भी लगे, बोले इतना पेट्रोल होता है, जमीन खोदने से तेल निकालो, तेल के देश लोगों की कैसे जीवन होता है, समुद्र से बहुत टूटे नल लगा करके फिर समुद्र के जल को जो है उसको रिफाइन करके तब उसके बाहर करते हैं। आप बारिश भी नहीं केवल वो पड़ा रहता है रेगिस्तान पर, बालू बालू सारी तरफ पहाड़, हाँ इसलिए हम किसने कर देखो लक्ष्मी देवी कहाँ वैकुंठ में रहने वाले लक्ष्मी देवी समस्त प्रकार ऐश्वर्य के द्वारा सुमंडित लक्ष्मी देवी सब का सुख सुविधा और सारे सुख को त्याग दे करके वृंदावन में बेल वन में इतने धूप में कठोर तपस्या कर रहा है। किसने तपस्या कर रही है? केवल गोविंद के सानिध्य प्राप्ति करने के लिए वृंदावन में गोपियों की भांति राजना में प्रवेश करने का, तो उनके संभव नहीं है। आज तक भी लक्ष्मी देवी की भी राज में प्रवेश संभव नहीं है। नायम श्रृंगु नितांतरते प्रसाद सर्जिष्टा नलिन गंधा रुचिपुत उन्न रासोत्सव सुजदन गृहीतो कंठा लब्धा सुजत उद्गात ब्रजसुंदरी न ब्रजसुंदरी गोपियों की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई राष्ट्रदा में, जिसमें कृष्ण वो समस्त ब्रजगोपियों की गणेश धारण करके अत्यंत उन्होंने विनय करते हैं, उनकी जो प्रेम प्रदान की इस जगत में स्त्री युक्ति छोड़ दीजिए, नायन श्रु नितान्त प्रसाद इस जगत में स्त्री युक्ति छोड़ दीजिए, जितने भी सुंदरी स्त्री हो उसकी तो संभव नहीं, यह तो कि स्वर्गलोक में जो ललिना दमदार चकुतवन्ना स्वर्ग में रहने वाली स्त्रियां जो है अप्सराएं जिसको कहा जाता है, सुंदर सुंदर जो जिनकी शरीर से जो है कमल के भांति सुगंध निकलते और उनके शरीर इतने सुंदर चिकनाई इतने दिव्यमान होते हैं, माने इफाल जैसे होते हैं, सुंदर सुवर्ण सुंदर रूप धारण करने वाले, वो भी स्वर्ग के स्त्रियों के लिए भी कृष्ण संग प्राप्ति संभव नहीं हुआ। सर्जसिता सर्जसन सर्ग के रहने वाली स्त्रियों की संभव नहीं हुआ, जिनकी अंग से जो है कमल के वहां से सुगंध निकल उनके भी संभव नहीं है। और दूसरे ठीक है लक्ष्मी देवी भी संभव नहीं है, नायन श्री अंग अब और क्या होता है बताओ, लक्ष्मी के भी सौभाग्य प्राप्ति नहीं है, जो सौभाग्य गोपियों की अर्थात रासस्थली में कृष्ण वह गोपियों की गर्भंधन निकल बैठे दे करके उनके निकट जो प्रेम करुणा विनय आदि जो कुछ किया वो किसी के संभव नहीं है, एक तो बता दें। तो इसलिए यह पर जो कहती जा रही जिस कथा प्रसंग आरोप स्वयं भगवान भी कह रहे हैं, लक्ष्मी जी के पास हाँ वो समस्त ब्राह्मणी गण कह रहे हैं
ये लक्ष्मी देवी आपके चरण कमल की प्रार्थना यानी आपके चरण कमल में रहना चाहते हैं तो हम लोग कैसे चले जाए। और दूसरी बात यह है, वस्तु तो ब्राह्मण ही कहते हैं, आपने गीता में भजन विचार गीता में भी कहा गया, ये यथा मम प्रबद्धस्य एतां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानं वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वेषु। जो मनुष्य जिस प्रकार जो भावना लेकर मेरा भजन करता है, मैं ही उसके उसी प्रकार मैं उनकी भावना के अनुसार फल प्रदान करता हूँ। जे यथा मम प्रबद्धन्ते एतां तथैव भजाम्यहं एतदेव। तो यदि इस दृष्टि से आप कहें, हम लोग तो मानव ब्राह्मणी लोग तो आए हैं किसके लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए और कृष्ण के चरण में ही रहे। वो तो माने ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करके घर से आई है कौन, ब्राह्मणीगण। ब्राह्मणीगण यह दृढ़ प्रतिज्ञा करके आई है जहां हम कृष्ण के छोड़ करके जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम कृष्ण के चरण में रहेंगे। अब कृष्ण कार्य नहीं आप लोग घर में लौट सकेगा। इस प्रकार गोपियां वो सुनता ब्राह्मणी बन प्रार्थना करते, किंतु कृष्ण क्या है कहने लगे, ये ब्राह्मणीगण आप लोग अति अवश्य ही लौट कर लिया है। क्यों भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं, देखो यदि कहो कि हम लोग क्योंकि तो देह अभिमान नहीं है, क्यों भगवान कहने कहते हैं कि मैं गोप जाति हम ही गोप जाति कभी बिना अन्य नागरिक अंगीकार, भगवान में यही विचार है। कृष्ण कहते हैं मैं गोप जाति में आया है, वो भी बिना और किसी को इनकार नहीं करते। यदि कहो इस प्रसंग से वो सब तो ब्राह्मण कह रहे थे, हम तो देहात्म बुद्धि नहीं रखते, हम ब्राह्मणी है कि शूद्राणी है कि क्षत्राणी है अथवा वैसे बुद्ध, हम तो ये अभिमान नहीं रखते, हमारे तो अभिमान सब हम त्याग दे दिया। अभिमान प्रत्यजन प्राकृत उपराधिशु, अभिमान को त्याग है? हम तो विमान तैग दे दिए, किंतु तथापि यहाँ पर ये विशेष कथा है। देखो ये देह जब तक हम रहते हैं संसार में, लोग रीति को हमको मानना पड़ता है, कहते महाराज मैं स्त्री भी नहीं, मैं पुरुष नहीं, हम मठ में क्यों नहीं रहे, कोई स्त्री भी कहे देख, यहाँ पर ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग रहते हैं, तो हम भी तो शरीर को विमान तैग दे दिया, हमें भी रख लो मठ में, हम लोग क्यों नहीं रखते गुरुदेव, हम भी देह अभिमान छोड़ दिया, आपके ब्रह्मचारी आपके पैर दबाते हैं, हम भी आपको पैर क्यों नहीं दबाएंगे, है कि नहीं है, क्योंकि ये भी कहें तो गुरुदेव क्या कहेंगे, हाँ हाँ बेटी आ जा मेरा पैर दबाओ, किंतु ये भी धर्म विरुद्ध माना जाता है। जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तो संसार के नियम के अनुशासन पालन करना पड़ेगा, नहीं तो समाज भ्रष्ट हो जाएगी। हो सकता है कोई उत्तम उत्तम महाभागवत ऐसे करे उसमें दोष नहीं लगता है, किंतु तो वही उसको देख करके उसके अनुगतन वही तो करेगा। मेरे गुरुदेव एक स्त्री के द्वारा पैर दबा देते, मैं भी अपने स्त्री के द्वारा क्यों भी पैर नहीं दबा, कोई जरिए नहीं है, तो इससे क्या होगा, समाज के नियम की अनुशासन जो है वो उल्लंघन हो जाएगा। लोक दृष्टि जो आपके आसक्ति रहे अथवा नहीं रहे, किंतु लोक दृष्टि से वो नहीं, समाज भ्रष्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हो गया, अनधिकारी होकर के अधिकार समझ करके वही करेंगे, फिर वो भ्रष्ट हो जाए, समझ में आ रही है, रामायण में क्या बोला आप कहे मेरे गुरुदेव गुरुदेव तो उत्तम तो महाभागवत
और मैं भी उत्तम उत्तम महाभागवत मेरे गुरुदेव जैसे करते थे मैं कैसे करते नहीं ऐसा नहीं कर सकते परंपरा बन जाएगी वो परंपरा बन जाएगी है गुरु परंपरा बन जाएगी है आजकल जितने भी आश्रम में ऐसे भ्रष्टाचार हो जाते हैं आश्रम के भ्रष्टाचार ही हो जाता है कहते नहीं नियम के अनुशासन के जो पूरा आप उत्तम भागवत होने पर ही कुछ कुछ नियम को जो है आपको वो भी ऐसा आचरण नहीं करते वो केवल जैसे नित्यानंद के लिए कहा गया दूसरी बात वो अवधूत मान जाते नित्यानंद अवधूत भगवत सर आज शिवत्व नहीं प्राप्त करके जो अपने के शिवत्व मान करके शिव जी जैसे महा उत्तम उत्तम महाभागवत अपने निर्वात्र होकर के अपने पति पार्वती के गोद में रख करके दिन सौ में कथा बोल रहे उसी भी शिव जी के लिए संभव है किंतु कहीं यदि और कोई यदि करे ऐसे मैं भी शिव जी की भांति करूं तो समाज के लिए दूसरा नहीं होता शिव जी भी स्पर्श कर लिया तो विस्पान करके दिखाओ तो कहेंगे विधि आदि नियम के करना पड़ता है नियम के उल्लंघन क्योंकि लोग दृष्टि से लोग कटाक्ष हो जाता है लोग आपको आंख उठाएंगे मैं समझता हूं आपकी कोई आसक्ति नहीं है मैं आपको किंतु लोक दृष्टि से कैसे तुम बचोगे उसी प्रकार यह पर भी कार्य वह समस्त ब्राह्मण ही इस प्रकार कहने लगे हे गोविंद आपके चरण कमल प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मी आदि भी तो वृंदावन से नहीं हम ही रहेंगे आपके हम लोग कभी नहीं रहेंगे तब उसमें भगवान कहते हैं नहीं हे ब्राह्मणी लोग आप लोग मेरे उपदेश के जो है पालन करें इस प्रकार गोविंद अनेक उपदेशों के द्वारा उनके कहने जाओ अंत में आप लोग ही इस शरीर छोड़ने के बाद मुझे प्राप्त करोगे इस प्रकार कहने पर वो समस्त ब्राह्मणीगण लौट करके गए किंतु एक आश्चर्य की बात है वहां ब्राह्मणीगण जब कृष्ण से लौट करके जब जगस्थल में पहुंचे देखो आश्चर्य की बात है उस समय वो ब्राह्मणगण जगी ब्राह्मणगण अपने पशु की